चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम रिजल्ट के बाद आयुष, वेटनरी और बीएससी नर्सिंग की क्या कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि रिजल्ट के बाद में रैंक हाई रही है तो कट ऑफ भी हाई रहने की पॉसिबिलिटी है। तो मैं आपको इन कोर्सेज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि नियर बाई इतनी कट ऑफ जा सकती है। हालांकि ये डिपेंड करता है एमबीबीएस के फर्स्ट राउंड की कितनी कट ऑफ जा रही है, सेकंड राउंड की कितनी कट ऑफ जा रही है। एमबीबीएस की कट ऑफ पर काफी डिपेंड करता है इन कोर्सेज की कट ऑफ, क्योंकि काफी सारे बच्चे अगर एमबीबीएस में काफी डाउन रैंक तक हो जाता है तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी इसमें राहत मिल सकती है। तो अगर हम बात करते हैं बीएमएस के लिए, तो सबसे पहले बीएमएस कोर्स की बात करें तो बीएमएस कोर्स के लिए यूआर कैटेगरी की ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा की जो कट ऑफ रह सकती है रिजल्ट के बाद में, वो यूआर कैटेगरी की 505 कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की 498, ओबीसी की 500, एससी की 340 और एसटी की 250 कट ऑफ रह सकती है। ये मैं आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड की कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर, यानी कि लास्ट राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है उसकी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड मॉपअप राउंड की कट ऑफ हाई रहती है, हो सकता है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ 550 के नियर बाई जाए, तो लास्ट राउंड की कट ऑफ इतनी रह सकती है। अब बात करें हम गवर्नमेंट एडेड कोटा की, तो यूआर की 500 कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 495, ओबीसी की 495, एससी की 340 और एसटी की 250 कट ऑफ रह सकती है बीएमएस कोर्स के लिए। तो अब बात करें हम बीएमएस कोर्स में ही बीएचयू और एनआईए जयपुर की, तो बीएचयू की जो कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी की 595, ईडब्ल्यूएस 590, ओबीसी 590, एससी 435, एसटी 420 कट ऑफ रह सकती है इसमें। एनआईए जयपुर की बात करें तो यूआर 590, ईडब्ल्यूएस 585, ओबीसी 585, एससी 430 और एसटी 415 कट ऑफ रह सकती है बीएमएस कोर्स के लिए। बीएचएमएस की बात करें तो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा के लिए 350 कट ऑफ रह सकती है यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की 330 रह सकती है, ओबीसी की 340 रह सकती है, एससी की 245 रह सकती है, एसटी की 200 रह सकती है। ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में इतनी कट ऑफ जा सकती है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड कोटा की बात करें तो यूआर की 345 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस की 315 रह सकती है, ओबीसी की 330 रह सकती है, एससी की 230 रह सकती है और एसटी की 200 कट ऑफ रह सकती है। अब बीयूएमएस और बीएसएमएस की बात कर लेते हैं, तो बीएमएस यूआर कैटेगरी की 315, ईडब्ल्यूएस 315, ओबीसी 295, एससी 110, एसटी 100, बीएसएमएस 370 यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 370, ओबीसी 320, एससी 180 और एसटी 140 कट ऑफ रह सकती है आयुष कोर्स के लिए। तो ये इतनी कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वेटनरी की बात करें और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो वेटनरी की यूआर कैटेगरी 510, ईडब्ल्यूएस 500, ओबीसी 500, एससी 300 और एसटी 280 कट ऑफ रह सकती है। बीएससी नर्सिंग मेल कैंडिडेट के लिए यूआर 430, ईडब्ल्यूएस 430, ओबीसी 420, एससी 300, एसटी 150। बीएससी नर्सिंग फीमेल के लिए 210 रह सकती है यूआर, ईडब्ल्यूएस 210, ओबीसी 210, एससी 210 रह सकती है और एसटी 150 कट ऑफ रह सकती है इसमें। तो ये कट ऑफ आपका एक जस्ट आइडिया के लिए है कि कौन सा कोर्स कितनी रैंक पर मिल सकता है। फिर भी ये डिपेंड करेगी एमबीबीएस के फर्स्ट राउंड कितने कट ऑफ पर जाता है उसी के रिगार्डिंग ये कट ऑफ अप या डाउन हो सकती है। हालांकि मैंने ये काफी मेहनत करके डाटा निकाला है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से डाटा निकाला है, सीटें कितनी इंक्रीज हो रही हैं, एमबीबीएस की सीटें इंक्रीज हो रही हैं वो भी डिपेंड करेगा, एआईआर कितनी आ रही है, स्टूडेंट की कितनी ज्यादा आ रही है, वो सारा डाटा कंसिडर करके निकाला है। फिर भी मैं आपको ये बोल देता हूँ कि ये फिर भी डिपेंड करता है एमबीबीएस की कट ऑफ पर। तो ये एक जस्ट आपके लिए आइडिया है, कट ऑफ इससे अप या डाउन भी जा सकती है और इन कोर्सेज की जो कट ऑफ है वो अप या डाउन काफी जा सकती है, इसमें इतना फर्क पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एसटी की कट ऑफ भी एससी से ज्यादा चली जाती है। तो ये मैंने सारा डाटा कंपाइल करके ये कट ऑफ प्रेडिक्ट की है, तो हो सकता है ये आपके काम आ सकती है। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी ऑल इंडिया स्टेट आयुष वेटनरी सभी के लिए बुक अवेलेबल है, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें च्वाइस लिस्ट दी गई है, बॉन्ड की डिटेल्स दी गई है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दी गई है, स्टेट वगैरह के प्रोसीजर के बारे में समझाया गया है, ओपन स्टेट के बारे में समझाया गया है। तो मैं सोचता हूँ ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं, नीट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट के लिए भी इस चैनल पर काफी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करते रहते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।